थ्री में कुछ आगे और भी है, देख लीजिए। एक सर्कल बनाता हूँ या फिर ये यहाँ से ले लेता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा वैरायटी मिल जाएगी। और ये नहीं, ये ले लेता हूँ, एक्चुअली साइड 5 है, मैं 6 साइड कर देता हूँ इसका। और इस लेयर को, इसको मैं हटा देता हूँ, 6 साइड वाला मुझे पॉलीगॉन चाहिए। ये मैंने क्रिएट कर दिया है और अब मैं इसको 3D में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। 3D में कन्वर्ट हो गया है ये। और अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ तो ये इतनी हाइट है और ये हाइट वेट वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। और एक ऑप्शन है वी, आप वी प्रेस कीजिए तो ये इसमें टूल्स आ जाते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग आएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, यानी कि एक्सट्रूड ज़्यादा होगा। और ये वाला जो पोर्शन है, इसको अगर ये ऐसा करेंगे तो ये मतलब कि एक साइड से छोटा या बड़ा होगा, यानी कि टेपर होगा। ये पीछे की साइड से बड़ा हो रहा है अभी, देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके दिखा देता हूँ, पीछे की साइड से चौड़ा हो रहा है, यानी कि ये टेपर हो रहा है। इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैं कम कर देता हूँ। और ये इसका लेंथ और विड्थ, लेंथ बढ़ा रहा है। और इसके ऊपर एक ये भी है, मैं जब इसको क्लिक करके ऐसा रोटेट करता हूँ तो ये एक टेल जैसा इसका निकल जाता है, मतलब कि ये टेपर के साथ साथ बेंड भी हो रहा है। टेपर तो हो ही गया है और साथ में बेंड भी हो रहा है। इसकी लेंथ और ये लेंथ वगैरह मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ से पीछे से नीचे वाला जो ऑप्शन है, इससे भी मैं इसको, इसके टेपर को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद एक बार और वी दबाता हूँ तो वी में ये देख लीजिए कि ये इस टाइप का ऑप्शन आ जाता है। और ये जो ऊपर वाला एरो है, मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ इस तरीके से। अभी कुछ नहीं हो रहा, मैं इसको पकड़ के, कुछ ऑप्शन होते हैं जो कि एक बार हो जाते हैं और दूसरी बार, यहाँ ये आगे एक्सट्रूड हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन वो नहीं दिखाना मुझे आपको। मुझे दिखाना है आपको ये ट्विस्ट होता है, मैं ट्विस्ट करना बता रहा हूँ आपको। आगे से भी इसका एक पॉइंट निकल गया है और एक ये भी है, इसको आगे से भी बेंड हो रहा है इस वाले पॉइंट से। और अगर इसको मैं ऐसा करूँ तो आगे एक स्मूथ हो रहा है और शार्प भी हो रहा है आगे। मैं फिर से वी करता हूँ और ऊपर वाले को मैं ऐसा करता हूँ तो ये अब हो रहा है ट्विस्ट, इस बटन से ये ट्विस्ट हो रहा है, समझ लीजिए। मैं फिर से वी करता हूँ, फिर से वी करता हूँ, फिर से वी करता हूँ। जो पहली बार वी दबा था उसका ये ऊपर वाला पॉइंट पकड़ना है आपको, ये वाला, और इसको टेपर करना है। तो ये इस तरीके से टेपर हुआ है। आप इससे कोन बना सकते हैं, आइसक्रीम जैसा दिख रहा है अभी फिलहाल, स्क्रू बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। टेपर, ये ट्विस्ट हुआ है, ये टेपर भी किया है, ट्विस्ट भी किया है और एक्सट्रूड भी किया है। और अभी मैं लाइट लगाता हूँ इसमें, लाइट में ब्लू लाइट, ये ब्लू लाइट लगा दिए तो कुछ इसमें का दिखाई दे रहा है ये।
और टेपर भी देखिए इसका बराबर आया है, टेपर भी आया है, ट्विस्ट भी इसका कितना शानदार आया है, बिल्कुल लेंथ बराबर है सभी की। तो इन चीज़ों से आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, हाथ जमना चाहिए आपका 3D के ऊपर। बाकी मैं ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ, अगला कुछ और लेकर आता हूँ। धन्यवाद।